हेलो फ्रेंड्स, हल्द्वानी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको ये डिलीशियस सा जो पनीर दिख रहा है, तो इसको बिना देरी करे चलिए बनाते हैं। ये है पनीर लबाबदार, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है ये। तो ये मैंने एक चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है और उसमें डाला है एक तेज़पत्ता, एक छोटा सा दालचीनी का पीस और एक स्टार, और उसको कर लेते हैं हम हल्का सा फ्राई। और इसके बाद मैंने रफली चॉप करके अनियन रखे हैं, तो ये मीडियम साइज़ के 3 अनियन थे जिसको मैंने रफली चॉप करा है, और बस इसको कर लेते हैं हम इसमें फ्राई। तो बहुत ही कम ऑयल में मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनेगी। मैं बहुत सारा ऑयल नहीं यूज़ करूँगी। तो देख सकते हैं आप, मैंने एक जो सर्व स्पून होता है बिल्कुल छोटे साइज़ वाला, बस उसी को मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और उसमें डाली है ये अनियन, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं आप, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अभी फ्राई नहीं करेंगे। और उसके बाद देखिए मैंने डाले ये थोड़े से काजू, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। और कुछ मैंने लिए ये बादाम, और कुछ है ये मस्क मेलन के सीड, ये वाटरमेलन के थे और ये है मस्क मेलन के सीड। तो ये दोनों ही मैंने मस्क मेलन और वाटरमेलन की सीड डाले हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनसे, बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और इसके बाद मैंने ये दो बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और उसी के साथ मैंने जो हरी मिर्च होती है, दो हरी मिर्च के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल दिए। और बस अब हम इनको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और मैं इसमें ये नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक जब हम डालते हैं तो टमाटर बहुत जल्दी गलता है। तो ये छोटी चम्मच थी, इससे मैंने 2 चम्मच नमक डाला है, और ये 1 इंच जो होता है वो अदरक का टुकड़ा, बस वही उसको छोटा छोटा काट के डाल देती हूँ मैं। और अभी हम जब इसको ग्राइंड करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक प्यूरी के फॉर्म में आ जाएंगी। तो देखिए बिल्कुल पक चुका है, और मैंने ये ठंडा भी कर लिया है, गैस को बंद कर दिया था फ्लेम को। और बस अब इसको पीस लेते हैं। और देखिए फिर मैंने ये बस 1 ही चम्मच ऑयल डाला है, तो हम कम से कम ऑयल यूज़ करेंगे और उसमें बनाएंगे बहुत टेस्टी सा पनीर। तो बस मैं थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए डाल दे रही हूँ बटर, और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, और ये 1 चम्मच कलर वाली मिर्च है ये, तो वो जो चटपटा करती थी वो मिर्च थी, और ये जो मैंने कटोरी में ली है ये कलर वाली मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये जो सब्ज़ी को कलर देती है, इससे सब्ज़ी में तीखापन नहीं होता। और देखिए ग्रेवी को जो मैंने ग्राइंड कर लिया था उसको डाल देते हैं हम, और अच्छे से करेंगे इसमें मिक्स। तो फ्लेम को स्लो करके ही आप मसालों को डालें, जिससे कि मसाले जल ना जाएं। और ये मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, तो 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, और 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और हम इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर इनको फ्राई करेंगे। तो मसाले अच्छे से फ्राई हो जाने चाहिए। तो मैं इसमें 1 चम्मच क्रीम डाल चुकी हूँ, जिसका कि वीडियो कुछ स्किप हो गया, और 1 चम्मच मैं इसमें और डालूँगी। तो 2 चम्मच मैंने क्रीम डाली है, और अगर आपके पास क्रीम नहीं अवेलेबल है उस समय तो आप डाल सकते हैं इसमें जो दूध के ऊपर मलाई पड़ जाती है उसको डाल सकते हैं, वो बिल्कुल क्रीम की तरह ही काम करेगी और वैसे ही बिल्कुल टेस्ट आएगा। तो आप मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। और ये मैं देखिए कद्दूकस कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पनीर का पीस, जिससे कि ग्रेवी जो होती है बहुत ही टेस्टी भी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे हम इसको। बहुत लाजवाब पनीर बनता है। इस तरीके से आप पनीर एक बार ज़रूर बना के देखें, तो मेहमान हो या घर के लोग हो, फैमिली हो, आपकी बहुत तारीफ़ करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। तो इस तरीके से आप पनीर ज़रूर बना के एक बार ट्राई करें मेरे तरीके से। तो मैं दिखा रही हूँ कि मसाला जो है भुन चुका है, क्योंकि मैंने ऑयल इसमें बहुत सारा नहीं डाला,
तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमें ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ करना है और बहुत कम ऑयल में एकदम डिलीशियस सा पनीर बना के तैयार करना है। और मैं डाल दे रही हूँ इसमें देखिए थोड़ा सा पानी, तो ग्रेवी को जितना भी हमें थिक रखना हो या जितना भी हमें उसको पतला रखना हो उसी के हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं इसमें बहुत सारा पानी नहीं डाल रही हूँ, लगभग आधा ग्लास पानी होगा ये। और इसको हल्का सा बॉईल आने तक पकाएंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डाल दे रही हूँ, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा देखें कि हमें ग्रेवी को किस तरीके का रखना है। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने ग्रेवी को कितना गाढ़ा रखा है, और बस अब थोड़ा सा बॉईल आएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें पनीर। तो सबसे पहले तो नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक मैंने टमाटर जब पकाए थे उसमें भी डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और मैं डाल रही हूँ इसमें ये शहद, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा, इसमें बैलेंस बनाएगा। तो ये 2 चम्मच मैंने शहद डाला है, आप इसकी जगह अगर शहद नहीं है तो थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये पनीर, तो मैंने इसे ट्रायंगल शेप में काटा है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं जो भी आपको पसंद है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं इस तरीके की और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो सब्सक्राइब एकदम फ्री होता है, तो क्यों ना सब्सक्राइब चैनल को कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपके एक सब्सक्राइब से किसी को खुशी मिलती है तो फ्री का सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और देखिए पनीर बिल्कुल बन के तैयार है। और ऐसा पनीर आप ज़रूर बनाएं अपनी फैमिली को के लिए। तो चलिए कर लेते हैं इसको सर्व। और बॉईल देखिए आ चुका है इसमें, बस इतना ही इसे पकाना है, बहुत देर आप इसको ना पकाएं, बस ऐसे ही बॉईल आने पे हल्का सा। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना, मन कर रहा है ना जल्दी से बनाने का और खाने का। तो फटाफट पनीर मंगाइए और जल्दी से बनाइए इतना टेस्टी टेस्टी पनीर। और इसके ऊपर मैं जो डेकोरेशन करूँगी वो भी पनीर को ऐसे क्रश करके ही डालूँगी, तो बिल्कुल न्यू सी जो दिखाई देगा ना पनीर, बिल्कुल इसकी डेकोरेशन वो बहुत ही टेस्टी दिखती है। और इसके ऊपर से मैं डाल देनी हूँ थोड़ी सी बची हुई है क्रीम। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फिर से मैं कह रही हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू इतना सारा समय देने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।